अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ आज, जो कि है इंपॉर्टेंट अलॉयज एंड देयर यूजेस। गाइज, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देख लो, SSC, CGL, CHSL, CPO, CGL, MTS, रेलवे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी देख लीजिएगा, वहाँ से अलॉयज से क्वेश्चन बनता ही है। तो क्यों ना इसे याद कर लिया जाए। और मेन थिंग ये है इस वीडियो की कि मैं आपको ये सारे अलॉयज ट्रिक्स के साथ बताऊँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद हो जाएंगी, और आप इस वीडियो के बाद कहेंगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता, मज़ा आ गया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। राइट, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला है ब्रास। पहला है ब्रास। अब ब्रास का कंपोजिशन है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है वो। तो गाइज, अब देखिए टेक्निक ये है और ट्रिक अपनी, कि कॉपर को क्या बोलते हैं हिंदी में, कांजी, कां, और जिंक से क्या बोलते हैं, जी। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि कांजी, ये ट्रिक है अपनी, कांजी। आपको बस इतना याद रखना है कि कॉपर की बात आएगी तो आपको कांजी का सोचना है, और जब जिंक की आएगी तो जी, तो कांजी। और कांजी से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने ओ माय गॉड मूवी देखी है, जिसमें परेश रावल था ना, उसी का नाम था कांजी भाई, तो वही कांजी। तो आप ऐसे लिंक करिएगा कि पूरी स्टोरी कांजी की है, क्योंकि ये पूरी जो ट्रिक्स है ना, मैंने पूरे कांजी नाम से बनाई है। राइट, का मतलब हो गया कॉपर और जी का मतलब होता है जिंक। चलिए, तो ब्रास के अंदर अब बताता हूँ मैं आपको कि ब्रास में क्या है। ब्रास के अंदर वर्ड आ रहा रास, ठीक है, और यह है कां जी। तो भाई साहब, कांजी भाई साहब जो थे ना, ये जो हैं वो रासलीला कर रहे थे। ठीक, क्या कर रहे थे, रासलीला, रासलीला कर रहे थे, तो पकड़ा गया कहीं, तो रासलीला करते हुए कौन पकड़ा गया, कांजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखते जाइए, मज़ा आएगा आपको। सेकेंड है मुंज मेटल। अब मुंज मेटल कैसे याद रखेंगे आप, मुंज मेटल का बताता हूँ कैसे। तो मुंज मेटल में वर्ड आ रहा है MUN। तो अब देखिए क्या, कांजी भाई जब पकड़ाए थे ना रासलीला करते हुए, तो उनका मुंडा ख़राब हो गया था। क्या ख़राब हो गया, तो मुंडा ख़राब, बोलते ना अरे मेरा मुंडा मत ख़राब कर यार, मेरा दिमाग ख़राब चल रहा, वो वाला मुंडा। तो उनका मुंडा ख़राब हो गया, किसका मुंडा ख़राब हो गया, कांजी का। राइट, कांजी जब पकड़ा गया तो कांजी का मुंडा ख़राब हो गया। तो मुंज मेटल कॉपर और जिंक, कांजी। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आया भैया देखो डच मेटल। अब डच मेटल में क्या है, तो कांजी जब पकड़ा गया था, कांजी, हाँ कांजी जब पकड़ा गया था तो वो डच करेज दिखा रहा था। अब डच करेज आपने इंग्लिश तो पढ़ी होगी थोड़ा बहुत, ईडियम होता है एक डच। डच करेज मतलब होता है एक ऐसी हिम्मत दिखाना जो आप में है ही नहीं, मतलब आप में बिल्कुल ताकत नहीं और आप लड़ने के लिए तैयार हो, और मैं निपटा दूंगा सबको, कौन है, आने दो, क्या है, तो वो वाला डच करेज बोलते हैं ना, फालतू की हिम्मत दिखाना। तो कांजी पकड़ा गया था, अब कांजी भाई में दम वम है नहीं है, और उसके बाद ही वो डच करेज दिखाता था कि अरे मुझे कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझको डांट नहीं सकता, कांजी। तो डच करेज कौन दिखा रहा था, कांजी। तीनों कांजी से याद था, पहली बार रासलीला करते हुए पकड़ा गया, दूसरी बार कांजी जब पकड़ा है तो उसका मुंडा ख़राब हो गया, और वही कांजी डच करेज दिखा रहा था, फालतू की हिम्मत दिखा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, अब भाई जी आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में था जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या है, हाँ जर्मन सिल्वर में है कि कांजी भाई, कांजी भाई जर्मन, हाँ कांजी घर पे लौट के आया, तो कांजी ने सोचा यार अब बहुत बेइज्जती हो रही है, हाँ एक काम करता हूँ बाहर चलता हूँ, मैं जर्मन लैंग्वेज सीख के आऊँगा मैं जर्मन। तो उसने जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, कांजी ने जर्मन लैंग्वेज सीख ली, कहीं बाहर गया और कांजी ने, कांजी नी, क्या, कांजी नी, कांजी ने जर्मन लैंग्वेज सीख ली। तो कॉपर, जिंक और निकल। राइट, नी मतलब निकल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको पसंद आ रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा मैंने फोकस करके और मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक उठा कर देख लीजिएगा लूसेंट की, मैंने वहीं से ये कंटेंट लिया है, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप फोकस करके पढ़िएगा बस मेरा वीडियो। पाँचवा है ब्रोंज। अब ब्रोंज के अंदर वर्ड आ रहा ब्रो, इसका क्या है, कॉपर और टिन, SN का मतलब टिन होता है, टिन, ये वाला टिन, TIN, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कॉपर का मतलब टिन होता है। अब भाई साहब इसको याद कैसे रखेंगे वो बताता हूँ। ब्रोंज के अंदर वर्ड आ रहा ब्रो, तो भैया क्या है, तो आप दो दोस्त, हाँ, सो रहे हो रूम में अपने, और फिर पूछ रहे हो यार वो क्या बोलते हैं, मेरा ब्रो, मेरा कुशन कहाँ है, कुशन मतलब समझते हो ना अपना तकिया। राइट, तो वो एक एक दोस्त अपने दोस्त से पूछ रहा है कि ब्रो मेरा कुशन कहाँ है, कुशन, राइट, कुशन मतलब अपना तकिया। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सी यू से कू से अपना कॉपर, और शन से SN से हो गया अपना टिन। राइट, तो ब्रो मेरा कुशन कहाँ है, तो आप ऐसे याद रखिएगा इसको। राइट गाइज, देखो अपन
अगर थोड़ा थोड़ा इससे लिंक करके पढ़ेंगे ना, उसी के अंदर वर्ड बना के, तो अपन को ज़्यादा समय तक याद रहेगा, वरना क्या होते हैं अपन भूल जाते हैं। और अगर मेरे वीडियो पे आए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप ना भूलें, क्योंकि इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया फुल फोकस के साथ और बड़ी मेहनत के साथ, ठीक है, उसी के अंदर ट्रिक्स और टेक्निक्स बना के। तो आप बस पढ़ते रहिएगा। देखिए आगे, सिक्स्थ है गन मेटल। देखो भाई, पूरी स्टोरी कांजी की चल रही है, राइट, तो बस फोकस करिएगा। तो गन मेटल में क्या है, कांजी, देखो अब कहाँ, देख, गन मेटल में क्या था, कॉपर जिंक ये टिन और पीबी लेड। तो इसमें क्या, देखो कांजी ने, अब बताता हूँ फिर से, ध्यान रखिएगा इसको, कांजी ने SP, अब SN और PB को SP बना लीजिए, कांजी ने SP के ऊपर गन तान दी। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा, कांजी ने SP के ऊपर गन तान दी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गन मेटल का क्या होता है, कॉपर जिंक टिन और लेड, जिसको अपन, आप सिंबल से याद रखिएगा। तो क्या बोलोगे आप, कांजी ने SP के ऊपर गन तान दी, तो कांजी और SN PB, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और दो तीन बार वीडियो को देखिएगा, क्लियर समझ में आएगा आपको और याद भी हो जाएगा। चलिए, सेवन्थ है डेल्टा मेटल। अब देखो डेल्टा मेटल में क्या है, कॉपर जिंक और आयरन है, ठीक है। तो देखो कांजी ने अभी SP के ऊपर गन तान दी थी, तो वो प्रॉब्लम में आ गया था। तो भाई कांजी का दिमाग ख़राब हुआ, तो कांजी ने कहा, यार अब ये जो लोहे लंगड़ वाली चीज़ें हैं ना, इन सबको डिलीट करो, डेल्टा के अंदर वर्ड है डिलीट। तो आयरन वाले मतलब कुछ भी लोहे वाला आइटम नहीं रहेगा, ना बंदूक रहेगी, ना रॉड रहेगी, ना चेन रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। तो कांजी ने आयरन को डिलीट कर दिया अपने घर से, कांजी ने आयरन को डिलीट कर दिया अपने घर से, ओके। चलिए अब है एट्थ, ये है मोनल मेटल। क्या है मोनल मेटल, अब मोनल मेटल का है कॉपर और निकल। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे याद रखना इसको, मोनल के अंदर वर्ड आ रहा है ना मोनी, MONE मोनी। अब ये कौन सी मोनी है, अब मैं बात कर रहा हूँ मोनी रॉय की। किसकी बात कर रहा हूँ, मोनी रॉय की। अब आपने TV में स्टार प्लस पे वो कलर्स पे आता था एक नागिन सीरियल, तो देखा होगा ना, उसमें मोनी रॉय है। और अच्छा, आपने अक्षय कुमार की गोल्ड मूवी भी देखी होगी, उसमें भी मोनी रॉय एक्ट्रेस है उसके साथ, तो वही मोनी रॉय की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई अपने, मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ, क्यों भाई मोनी रॉय से मिलोगे, तो मेरा फ्रेंड कहेगा, क्यों नहीं मिलेंगे यार भाई, हद कर रहे हो, क्यों नहीं, CUNI, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, मोनी रॉय से कौन नहीं मिलना चाहता, ठीक है। तो आप ऐसे रखना कि मोनल मेटल की जब बात आएगी तो मोनी रॉय याद आना चाहिए, और मोनी रॉय से क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं, ठीक है। तो कॉपर और निकल। चलिए गाइज, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक फटाफट कर दीजिए और शेयर करिए इस वीडियो को, और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होता है, मैं सारे वीडियो ट्रिक्स बना के लेके आता हूँ, तो आपको हेल्प मिलेगी, आप ये पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप मिस कर जाएंगे मेरे वीडियोस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ। नाइन्थ का है रोस मेटल। क्या है रोस मेटल, अब रोस मेटल को गाइस कैसे याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी वही कहानी है। अब कांजी की स्टोरी चल रही पूरी, तो कांजी ने क्या किया, SP की BB, बी को BB बना लेना, BB, ठीक है, BB। तो कांजी ने SP की BB को रोज दे दिया, आप ऐसे याद रखेंगे। क्या हुआ, कांजी की बात चल रही है, कांजी ने SP की BB को रोज दे दिया। तो SN PB और BI, SN मतलब होता है टिन, PB मतलब होता है लेड, और BI मतलब होता है बिस्मत। तो SPB ऐसे याद रखिएगा सिंबल से आप, SPB, SP की BB को रोज दे दिया, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट है टेंथ, शोल्डर। अब शोल्डर को आप कैसे याद रखेंगे वो भी बताता हूँ। शोल्डर के अंदर वर्ड आ रहा है SNPB। अब शोल्डर से ऐसे याद रखिएंगे, अपना शोल्डर कंधा वाला बोल रहे हैं, तो SP के शोल्डर पर तो आपने स्टार देखे ही होंगे, SP वही वाला SP है ना, SP के शोल्डर पर आपने स्टार तो देखे ही होंगे ना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि शोल्डर की बात जब आएगी तो SP की बात आनी चाहिए, याद आना चाहिए SP, और SP साहब के शोल्डर पर स्टार होते हैं, वही वाला, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं मैग्नेलियम, यह है एलेवंथ, ये है मैग्नेलियम, ये है मैग्नेलियम। इसके अंदर इसकी कंपोजिशन बनती है MG और AL से। अब गौर से अगर आप देखेंगे तो मैग्नेलियम के अंदर ही वर्ड आ रहा है, ये मैग्नेलियम के वर्ड आ रहा है मैग्नीशियम और AL से एल्यूमिनियम, राइट। तो आप ऐसे रखेंगे कि मैग्नेलियम के अंदर ही वर्ड आ रहा है MG और AL, ठीक, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्वेल्थ है ड्यूरेलिमन, ड्यूरेमिन, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बड़ी मेहनत से बनाया, देखिएगा इसको। तो इसमें क्या है, ड्यूरेलिमिन के अंदर वर्ड आ रहा है ड्यूअल, DURAL, तो ड्यूअल, ऐसे ड्यूअल याद करिए इसको। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे वो बताता हूँ, सबसे पहले दिन का नाम बता दे रहा हूँ, MN से मैगनीश होता है, ये MG मैग्नीशियम होता है, ये कॉपर, ये एल्यूमिनियम। तो अब मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि भाई साहब
मैंने एम एन से मतलब मैंने, एम जी का एम उठाइए, मैंने एम सी, सी यू का सी और ए एल का ए, मैंने एम सी ए 2 बार किया है। क्या किया है? मैंने एम सी ए 2 बार किया है, ड्यूअल से 2 बार। तो आपको ऐसा याद आना चाहिए कि जब ड्यूअल एलिमेंट की बात आएगी तो मैंने एम सी ए 2 बार किया, मैंने एम सी ए 2 बार किया है, राइट? तो आपको ये याद आ जाएगा कि मैगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम की बात हो रही है, ठीक है? चलिए गाइज, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए। आपको लगता है कि वीडियो में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप वो बताइए कि मैं उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। एक लाइन में फटाक से लिख दीजिए, भाई ऐसा है, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कर सकते हो, तो ज़रूर बताइए, ठीक है? इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो क्रिएटर को, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भैया 13th, 13th है टाइप मेटल, 13th है टाइप मेटल। अब देखिए ये पूरा, अब कांजी और एसपी की बात आ गई है। टाइप मेटल में क्या है देखो, टाइप मेटल की बात में कहेंगे मैंने सब टाइप के एसपी देखे हैं। सब बोले तो एसबी मतलब होता है एंटीमनी, एसएन मतलब होता है टिन, पीबी मतलब होता है लेड। तो सब टाइप के एसपी देखे हैं मैंने, सब टाइप के। टाइप मेटल की बात आएगी तो क्या बोलोगे? मैंने भैया सब टाइप के एसपी देखे हैं अपनी अपनी लाइफ में। सब बोले तो एसबी, एसएन और पीबी, सब टाइप के एसपी, राइट? चलिए, आई होप आपको फिर से पसंद आ रही होंगी, ठीक है? लाइक ज़रूर करिएगा। अब 14th बात आई है, वो है बेल मेटल। अब बताता हूँ इसको, ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ है। बेल मेटल के अंदर वडारा बेल, और ये काहे से बना है? कॉपर और टिन से, एसएन को टिन बोलते हैं, TIN, राइट? ध्यान रखिएगा इसको। तो अब बेल मेटल, तो आप दो दोस्त अपने रूम में सो रहे हो, सुबह सुबह अलार्म बजा, तो आपका दोस्त बोल रहा है, यार ये बेल कहाँ, घंटी कहाँ से बज रही है यार, बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। तो आपका दोस्त बोल रहा है, अरे तेरे कुशन के नीचे ही तो है, कुशन मतलब समझ रहे हो, आपके तकिए के नीचे है। तो CUSHN, कुशन, कुशन, ठीक है? तो आपके तकिए के नीचे ही तो है ये कुशन, कुशन, ठीक है? तो आपका दोस्त बोल रहा है कि तेरे कुशन के नीचे है, तो CU और SN, बेल मेटल, जब घंटी बजेगी तो कहाँ देखेगा वो अपना फ़ोन, कुशन के नीचे, राइट? चलिए नेक्स्ट है ब्रोंज, 15th, ये आई थिंक लास्ट है, ये है 15th। अब देखो, अब ब्रोंज के अंदर वडारा वही ब्रो जो मैंने ऊपर ही बताया था, मैंने इसलिए ये बता दिया डबल से क्योंकि ये साथ में एक CUSN वाला है। तो आपकी जब घंटी बज रही थी तो आपका दोस्त बोल रहा था, ब्रो कुशन के नीचे देख, कुशन के नीचे ये तेरी घंटी बज रही है मोबाइल की, तो वही है, ब्रो से पूछ रहे हो भैया कुशन, ठीक है? ब्रो बता रहा है, ब्रो कुशन के नीचे देख, राइट? तो बेल मेटल और ब्रोंज ये सेम है, कुशन, इसको याद रखिएगा कि ये कॉपर और टिन है, ठीक है? टिन, एसएन को टिन बोलते हैं। तो गाइज़ ये मैंने बता दिया, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा दिक्कत ना जाए, फटाफट, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, है ना? इसके बाद टेस्ट होगा 5-6 क्वेश्चन का, तो पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ा है और किसने मनोरंजन किया और टाइम वेस्ट किया अपना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ब्रास, ब्रास में क्या हो रहा था भाई साहब? कांजी, कांजी भाई साहब थे अपने, तो वो रासलीला कर रहे थे, ठीक है? कांजी भाई साहब थे जो रासलीला कर रहे थे। दूसरा था मुंज मेटल, मुंज मेटल में क्या हो रहा था? मुंडा ख़राब हो गया था किसका? कांजी का, CUZN, ठीक है? कांजी का मुंडा ख़राब हो गया था, राइट? थर्ड में क्या था फिर? वो डच करेज दिखा रहा था। कौन दिखा रहा था डच करेज? कांजी दिखा रहा था, CUZN, कांजी, कांजी फालतू का, फालतू की दादागिरी दिखा रहा था कि मुझे बहुत ताकत है, ऐसा वैसा, डच करेज, राइट? उसके बाद क्या था? फोर्थ था जर्मन सिल्वर। फिर कांजी ने क्या किया? जर्मन लैंग्वेज सीखी भैया, कांजी ने मतलब कॉपर, जिंक और निकल, कांजी ने जर्मन लैंग्वेज सीखी, ठीक है? अब फिर क्या हुआ भैया? अब वही ये ब्रोंज आ गया, 5th, ब्रोंज में बोल रहा ब्रो क्वेश्चन के नीचे देख अपना मोबाइल, वहीं से अलार्म की आवाज़ आ रही है, ब्रो क्वेश्चन, CUSN, राइट? अब 6th था गन मेटल, गन मेटल में क्या था भाई साहब? कि कांजी ने एसपी के ऊपर गन तान दी थी, एसपी सर के ऊपर गन तान दी थी। तो कांजी ने क्या कर दिया? एसपी के ऊपर गन तान दी थी, तो CUZN ये 10, एसएन को 10 बोलते हैं, और पीबी लेड, ठीक? तो सिंबल से याद करिएगा और फिर ये इनका नाम तो बना लेंगे आप फिर, ठीक है? 7th का डेल्टा मेटल, फिर क्या हुआ? डेल्टा मेटल किसने? कांजी ने, कॉपर, जिंक, कांजी ने आयरन डिलीट कर दिया अपने घर से, डिलीट कर दिया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th है मोनल मेटल, मोनल मेटल की बात आएगी तो भैया नागिन, मुनी रॉय की बात आ जाएगी। तो मुनी रॉय से कौन नहीं मिलना चाहता? सब मिलना चाहते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, सब मिलेंगे, क्यूनी, CUNI, ये भी कॉपर वाला है। जहाँ अपन को कॉपर को कांजी से यूज़ करना था तो अपन ने कांजी यूज़ कर लिया, का, और जहाँ लगता है कि अपन को CU से कू करना है तो कू से याद कर लिया अपन ने, ठीक है? थोड़ा सा तो अपन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तभी याद रहेंगे चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th वाला था रोज़ मेटल, तो क्या हुआ था? एसपी की बीबी को किसने? कांजी ने रोज़ दे दिया था, कांजी ने, एसपी बोले तो एसएन, पीबी तो एसपीबी, तो एसपी की बीबी को रोज़ दे दिया था कांजी ने, राइट? चलिए 10th था कि शोल्डर, शोल्डर कैसे याद रखेंगे? कि एसपी के सर इस कंधे पर शोल्डर थे, एसपी के कंधे पर शोल्डर स्टार लगे होते हैं शोल्डर पर, राइट? तो एसपी आप ऐसे याद रखिएगा।
11th था मैग्नीलियम, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इसके वर्ड के अंदर ही मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आ रहा है, राइट। तो Mg और Al बहुत सरल है। 12th था ड्यूरल एलिमेंट, तो मैंने क्या बताया, ड्यूरल एलिमेंट के अंदर ड्यूअल ड्यूअल, तो मैंने एम एन से मैंने एम सी ए दो बार किया है, दो बार किया है ड्यूअल, ठीक है। तो मैंने एम सी ए दो बार किया, तो एम एन मैगनीज मैग्नीशियम कॉपर और एल्यूमिनियम, राइट। चलिए 13th था टाइप मेटल, तो मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने सब टाइप के एसपी देखे हैं अपनी लाइफ में, सब बोले तो एसबी, सब टाइप बोले तो ये टाइप वाला क्वेश्चन चल रहा है, एसपी एसएन और पीबी, एसएन बोले तो ये अपना टिन और पीबी लेड, राइट। और 14th था बेल मेटल, कि जब भैया घंटी बज रही थी तो आपका दोस्त बोल रहा था भाई ये घंटी कहाँ से बज रही, तो आपने बोला ब्रो क्वेश्चन के नीचे है, ठीक है, घंटी कहाँ से बज रही, क्वेश्चन, तो सी यू एसएन, राइट। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अब देखिए भाई, अब है बिल्कुल महायुद्ध, अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, पांच क्वेश्चन है, देखता हूँ किसने कितनी ईमानदारी से पढ़ा है। अच्छा और भी हैं, 16th और 17th दो और हैं, सॉरी, चलिए ये और पढ़ लेते हैं। ये है स्टेनलेस स्टील। अब भाई साहब स्टेनलेस स्टील से आप क्या समझते हो, जिस बर्तन में आप खाने खाते हो ना थाली में, वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो अब देखो ये काय से बनी होती है, ये बनी होती है आयरन से, आयरन से, ठीक है, आयरन की, और उसमें निकल अपना क्रोमियम कार्बन क्रोमियम ये मिले होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोहे की थाली में तो खाने नहीं खाएंगे, उसके ऊपर ये कुछ लेयर चढ़ा देते हैं निकल की और क्रोमियम वगैरह की, तब जाके वो स्टेनलेस स्टील बनती है। तो इसकी टेक्निक बस आपको इस पर ही बस ध्यान देना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा है ये। अब देखिए इसका टेक्निक, स्टेनलेस स्टील की बात आएगी तो आप बोलोगे अकेला आयरन नहीं सी सी आर ये भी चाहिए, जब जाके थाली बनेगी खाना खाने वाली चमकदार, है ना। तो आयरन नहीं सी सी आर, एक बार फिर से, आयरन नहीं सी सी आर, आयरन नहीं सी सी आर, दो तीन बार बोलेंगे आप समझ जाएंगे कि स्टेनलेस स्टील की बात चल रही है, क्योंकि अकेले आयरन की नहीं बनती है वो, ठीक है, अकेले आयरन की नहीं बनेगी, तो अकेले आयरन की नहीं सी सी आर ये भी मिलेगा उसमें जब स्टेनलेस स्टील बनेगा, राइट। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17th लास्ट है भैया, देखो अब निकल से वर्ड आएगा, निखिल, निखिल नाम का कोई लड़का है जिसको आयरन, हाँ आयरन बिल्कुल नहीं पसंद, तो आयरन नहीं, है ना। तो उससे कुछ कुछ ने बोला कि यार अपने एक चेयर खरीद ले लोहे की आयरन वाली, तो बोल रहा नहीं आयरन नहीं, वो प्लास्टिक वाली खरीदो भाई, आयरन नहीं हर चीज़ में, मतलब आयरन नहीं, मतलब लोहा तो चाहिए ही नहीं, आयरन नहीं, निकल निकल को आयरन बिल्कुल नहीं पसंद है। तो आप बोले को निकल कुछ ले लें क्या, तो निकल ने बोला आयरन नहीं, राइट। गाइज ये हो गया बिल्कुल 17, मैंने बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, काफ़ी मेहनत करके मैंने बनाया है, तो आप इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। और अब क्वेश्चन की बारी, अब बताता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, राइट। क्वेश्चन वही है, स्टेनलेस स्टील की बात आ गई। अब स्टेनलेस स्टील मैंने आपको क्या बताया था, स्टेनलेस स्टील था आयरन नहीं सी सी आर, ठीक है। तो इसमें पूछना है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं, आयरन था, ठीक है, निकल भी था, सी सी आर से क्रोमियम भी था, टंगस्टन नहीं था भाई साहब, तो ये सारे हो गए गलत, ये टंगस्टन हो गया सही, ये प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गाइज, तो बिल्कुल फोकस करके पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सेकंड क्वेश्चन है ब्रोंज, अब मैंने बताया था ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ, तो आप खुद बता दोगे ब्रो, ब्रो से क्या कुछ याद आया, ब्रो ब्रो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोले तो कॉपर, ये कॉपर और एस एन मतलब ये टिन होता है, एस एन, एस एन मतलब टिन होता है ये वाला टिन, ठीक है। तो मैंने बताया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन के नीचे देखो वहीं से आवाज़ आ रही है अलार्म की, तो ये हो गया, ठीक है। थर्ड आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, ऐसा कौन सा वो है एलिमेंट जो ऐसा कंपाउंड जो सिल्वर कंटेन नहीं करता है, तो देखो बताता हूँ, ये है मैंने बताया ना जर्मन सिल्वर, इसका आंसर क्यों, क्योंकि जर्मन सिल्वर में क्या था कि कांजी ने कॉपर जिंक एन आई, तो ये सारा कुछ था, लेकिन यहाँ जर्मन सिल्वर में कहीं ए जी दिखा आपको, ए जी का सिंबल होता सिल्वर, ए जी है ही नहीं उसमें, तो ये जर्मन सिल्वर होता है, राइट। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, पढ़ने से ऐसा लगता है कि यार इसमें सिल्वर होगा, जर्मन सिल्वर है, लेकिन ऐसा जर्मन सिल्वर है जिसके अंदर सिल्वर है ही नहीं, राइट, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच टू मेटल्स कम्बाइन टू फॉर्म बेल मेटल, अब घंटी से कुछ याद आया, बेल से, जब घंटी बज रही थी तो कहाँ देख रहे थे वो, क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बोले तो कॉपर और टिन, ऐसे इनको बोलते हैं ना टिन, तो क्वेश्चन, राइट, तो बेल मेटल आ जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन है ड्यूरेलिमिन, ड्यूरेलिमिन इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, देखो अब ड्यूरेलिमिन के अंदर वर्ड आ गए, मैंने क्या बताया था कि मैंने एम सी ए दो बार किया है, एम एन एम सी ए बोले तो मैग्नीशियम, एम सी ए ये कॉपर सी और ए से एल्यूमिनियम, राइट, ये था। तो इसमें क्वेश्चन था कि ठीक है, इसमें क्वेश्चन था कि ड्यूरेलिमिन इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम होगा, क्योंकि मैंने एम सी ए दो बार किया था, तो ए से आ रहा ना एल्यूमिनियम, बाकी टिन और जिंक और लेड था ही नहीं, तो एल्यूमिनियम इसका आंसर,
राइट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ लेड। अब लेड से आप समझ रहे हो लेड का मतलब क्या होता है, पी भी होता है। अब मैंने बताया था ना अलॉय ऑफ लेड, लेड किसका अलॉय, अलॉय किसका, किस अलॉय का लेड वो है, इज एन अलॉय ऑफ लेड, तो शोल्डर का है। मैंने बोला ना एस पी किस कंधे पर, शोल्डर कंधे पर स्टार होते हैं, तो शोल्डर, शोल्डर वाला ये शोल्डर था, उस पर एस पी होता है, तो एस एन और पी बी राइट, ये होता है एस पी के शोल्डर पर, तो ये हो गया लेड, लेड के लिए। ऑल राइट तो गाइज ये था मेरी तरफ से, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। अब मैं आपको यही कहूँगा कि अब इसको बार बार रिवाइज़ कर लीजिए, 2 से 3 बार देखेंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। और इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, कैपिटल कंट्रीज़ पर बनाए हैं और रिवॉल्यूशंस पर बनाए हैं, पीएच वैल्यूज़ पर बनाए हैं, जो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ा है मैंने, तो आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, तो पक्का आप इसको देखिएगा। और मैं यही कहूँगा बार बार रिवाइज़ करिए, 2 से 3 बार करेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। तो मेरी तरफ से बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।